Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 8, chapter name Keeping Safe. Student, in this chapter on previous day, it means on yesterday, we had studied about safety rules. It means we had studied about safety rule in the kitchen. Okay student, and student, now we have to study safety rule in others' room at home. Now, firstly we have to write down chapter name, Keeping Safe. Keeping Safe. Okay student, this is the chapter name. You can see here, chapter name, Keeping Safe. Student, in this chapter, on previous day, we had studied about use of safety rule and safety rule in the kitchen. Student, now we have to study safety rule in the others' room at home. Safety rule in the other room. Yesterday, I had described safety rule in the kitchen. But student, at our home, it means in our home, there are so many rooms. There are so many rooms, just like living room, bedroom, bathroom, etc. Student, now we have to study safety rule in other rooms at home. यानी घर पे और भी जो रूम है वहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करना है यही हमको अभी पढ़ना है. दिस इज द टॉपिक. नाउ स्टूडेंट, देयर आर मेनी सेफ्टी रूल दैट कैन यू फॉलो इन द अदर रूम एट होम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. फर्स्ट, immediately wipe any liquid that has been spoiled on the floor because someone may sleep on the wet floor. Student, immediately wipe. It means जितना जल्दी हो सके अगर कोई liquid गिर जाता है फर्श पे तो उसको आपको wipe कर लेना है. Wipe क्या है तो उसको पोंछ लेना, हटा देना है फर्श पर से. क्यों? क्योंकि it makes फ्लोर स्लिपरी एंड समवन स्लिप ऑन द फ्लोर, वेट फ्लोर. इससे क्या होगा, फर्श गीला होगा और कोई भी गिर सकता है. ओके, डू नॉट लीव एनीथिंग लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. डू नॉट लीव एनीथिंग लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. कोई भी चीज आपको क्या करना है, फर्श पे नहीं छोड़ना है. आई मीन फर्श पे बिखरा के नहीं छोड़ना है. इससे क्या होगा, समवन कैन स्टेप ऑन देम एंड गेट हर्ट और इंजर्ड. कोई भी इसमें क्या हो सकता है, स्टेप हो सकता है, आई मीन इसमें फंस सकता है और गिर सकता है, उसे हर्ट हो सकता है, चोट लग सकता है. तो ऑलवेज कीप योर थिंग आफ्टर यूज ऑन देयर प्लेस. कोई भी चीज आप घर में उसको उठाते हो तो फिर उसको उसी जगह पे रख दो. ओके, स्मॉल चिल्ड्रेन शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नॉर शुड दे ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर्स प्लग फ्यूज. आप देखिए, स्मॉल चिल्ड्रेन, जस्ट लाइक इन द एज ऑफ योर चिल्ड्रेन, आपके जैसे छोटे बच्चों को क्या है, यू हैव यू शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. आपको कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं टच करना है, नहीं किसी भी वायर्स प्लग या फ्यूज को रिपेयर करना है, बिकॉज यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक एंड दिस मे बी डेंजरस फॉर यू. और ये आपके लिए क्या हो सकता है,
डेंजरस हो सकता है. ओके स्टूडेंट, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर. और कोई भी मेडिसिन आपको अपने पेरेंट्स और एल्डर के परमिशन के बिना, एडवाइस के बिना नहीं लेना है. ओके, इन अ केस पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, यू हैव टू इमीडिएटली स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच. आपको क्या करना है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आपके घर में, तो जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ करना है. ओके स्टूडेंट, तो दिस आर द सम सेफ्टी रूल दैट कैन यू फॉलो इन अदर रूम एट योर होम. ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी सेफ्टी रूल इन द बाथरूम. In the bathroom, student, there are some safety rule that can you follow in the bathroom to prevent accident. Student, never leave a child in bathtub alone. किसी भी बच्चे को bathtub में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. Okay? Do not leave soap, lotion, shampoo on the floor. Floor पे आपको shampoo, lotion ये सब नहीं गिराना. Because it makes floor slippery and someone may fall on the slip. Okay student, do not open the hot water tap yourself. और आपको hot water का tap जो है खुद से नहीं खोलना है. Because otherwise you may burn your hands. नहीं तो क्या होगा, आपका hand burn हो सकता है. Ask your parents to fill bucket of water sufficient for you. अपने पेरेंट्स से पूछना है और कहना है आपके लिए आपको स्नान करने से पहले वो आपके बकेट में वाटर फिल करे. ओके, कीप हीटर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर अवे फ्रॉम बाथटब, शॉवर, प्लेस एंड द सिंक. यू कैन हर्ट योरसेल्फ विद दिस अप्लायंसेस. एडवांस स्टूडेंट, कीप हीटर्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्टर्स अवे. हीटर और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर जो है उसको बाथिंग टब या शॉवर से दूर रखता है. बिकॉज इट कैन बी मेड डेंजरस फॉर यू एंड इट कैन हर्ट यू. स्टूडेंट, दीज आर द सम रूल दैट कैन यू फॉलो इन द बाथरूम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट नाउ यू हैव टू राइट डाउन होमवर्क. Right, safety roll in the bathroom. इट मीन्स बाथरूम में जो भी सेफ्टी रूल फॉलो किए जाते हैं अभी जो मैंने बताया उसको लिखना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. एंड स्टूडेंट नाउ यू कीप स्टडी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट.